you can see, I'm at Shaheen Bagh right now. आप यहाँ देख सकते हैं, हम यहाँ लोगों से बात करेंगे. यहाँ पर एक there's a sea of people here. सबका एक one common agenda to be here together in unity, in solidarity for a cause. भाई हम इसके लिए ऑनेस्ट रहें अपने हिंदुस्तान के लिए, जो इसकी जो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई उनके साथ प्यार मोहब्बत से अखलाक से पेश आएँ, एक साथ मिलजुल कर रहें, और हम अपने जो जो हमें दिए गए आइन है उसके अंदर रहकर अपनी जिम्मेदारियों के साथ सबसे मिलजुल कर रहे हैं. देशभक्ति तो जो हमारे प्रधानमंत्री हैं पहले उनको ही समझनी चाहिए. वो हमसे हमारी नागरिकता छीन रहे हैं. जिस धरती पे हम पैदा हुए, जहां हमने अपना बचपन बिताया, शादी हुई, सब कुछ हुआ, वही से पूछ रहे हैं कि हम हिंदुस्तानी हैं. हर देश उन्होंने आज़ाद नहीं कराया, हम लोगों ने आज़ाद कराया. हमारे भी जो हमारे बुजुर्ग थे उन्होंने भी अपना खून मिलाया है. मुझे तकरीबन एक महीना हो गया है. एक महीना हो गया जी. एक महीने से यही है, एक महीने से ज्यादा हो गए. हाँ. वो तो कह रहे हैं कि जो बाहर से आ रहे हैं उनका दिक्कत है, जो आप जो हाँ आप और मैं जो यहाँ रह रहे हैं, आप सिर्फ नहीं मैं भी, हम लोग यहाँ रह रहे हैं, हम तो यही रहेंगे, तो दिक्कत क्या है. बात तो ये है, जब उन्होंने बोला था नागरिकता, इन्होंने बोला था हिंदुओं को मिलेगी, सिख को, बुद्धिम को, इन्होंने सबका लिया था, सिर्फ उन लोगों को नहीं मिलेगी. उन लोगों का मतलब क्या था? आप कागजात क्यों मांग रहे हैं? और कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ. अब बेटियां रोड पर आ रही हैं, छोटे छोटे मासूम बच्चे ठंड में खड़े हैं, तो अब आके क्यों नहीं देख रहे कोई भी? बहन बोलते हैं हम लोगों को, तीन तलाक के लिए बोले थे, तो अब हम बहने नहीं दिखाई दे रही, उन्हें की सड़क पे मेरी बहने बैठी हुई हैं, क्यों नहीं आ रहे वो निकल के? जब तो यहाँ पे सब छोटे छोटे बच्चे सब यहाँ पे आए हुए ठंड में, क्या उनको नजर नहीं आ रहा ये हिंदुस्तान का, हम मुसलमानों का नहीं है? अभी बताओ, रक्षे पे सारी जिंदगी हो गई सड़क पे रिक्शा चलाते हुए, उनके पास कौन से डॉक्यूमेंट है? ये हमारी लड़ाई नहीं है, हम डॉक्यूमेंट दिखा सकते हैं पर वो नहीं दिखा सकते, हम उनके लिए यहाँ बैठे हैं. स्कूल भूल नहीं जा रही हूँ, फिर शाम को मामा के साथ. हाँ. कोई बेफालतू में यहाँ नहीं बैठा. आप बताओ इतनी ठंड में कौन घर से निकलेगा? कोई निकल जाएगा, सबको ये लगेगा अपनी रजाई में बैठ के आराम से बैठ रहे, ये बच्चे निकल जाएंगे. लेकिन ये बैकडोर एंट्री तो है ना, अगर जो हिंदू भाई अगर इनसे निकल जाएंगे तो उनको CAA के थ्रू आप इंटर कर देंगे, और जो मुस्लिम भाई निकल जाएंगे उनका क्या? यहाँ पर आपके जो MLA हैं यहाँ के, कभी आए बात करने के लिए? नहीं, अमादुल्ला खान है जी. नहीं, कोई नहीं है. नहीं, सरकारी कोई बंदा नहीं है अभी तक. जो बेसिकली है वो वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है. दिक्कत ये है कि सरकार जो है चीज़ें क्लियर करना नहीं चाहती है, वो लोगों को डायलेमा में रखना चाह रही है. अब वो करेंगे कि आप साबित करो कि आपके जो पूर्वज थे वो यहाँ थे. अगर 71 हम ले लेते हैं तो 71 का अगर आप दौर देखेंगे तो उस वक्त ना रेंट एग्रीमेंट हुआ करता था लोगों का, वोटर ID कार्ड भी आई थिंक 95 के आसपास से शुरू हुआ है, आधार कार्ड का कॉन्सेप्ट होता नहीं था. सरकार बार बार एक चीज़ बोल रही है कि आपको बहकाया जा रहा है, तो अगर ठीक है दूसरे बहका रहे हैं अपोजिशन वाले, तो आप क्लियर कर दो चीज़ें कि हाँ ठीक है, हम जब CAA जब लाएंगे तो उसमें हम क्या क्राइटेरिया डालेंगे. बेसिकली हमारे जो इंडिया है वो एक सेकुलर कंट्री है. इस जब ऑलरेडी ये कानून बना हुआ है तो नया कानून ज़बरदस्ती थोपने का मतलब क्या है? हमारा मुद्दा है ये दुनिया के लिए, हिंदुस्तान के लिए, हर एक नागरिक के लिए. ये मुसलमान से जुड़ा हुआ मुद्दा नहीं है, ये एक मुद्दा देश हित के लिए है, कॉन्स्टिट्यूशन से लड़ाई है. हम जब तक अपने आखिरी दम तक हमारे ब्लड में हमारे DNA में है आज़ादी, हमारे हमको फीलिंग की आज़ादी चाहिए, दिमाग की आज़ादी चाहिए. ये आज़ादी तो है हमारी, हमारा मुल्क आज़ाद है, हमने अंग्रेज़ों को भगा दिया है, पर आज जिस तरह हम आज़ादी के लिए फिर से लड़ रहे हैं, हमारी सोच में कैदी बना डाला है, वो हमको आज़ादी चाहिए. कोई नहीं पूछ रहा है कि आप कौन से मजहब के हैं, आप कहाँ के हैं, आप किस देश के हैं, आप किस प्रांत के हैं. सब यहाँ पर एक ही चीज़ लेके बैठे हैं, और ये एक बड़ा एग्जाम्पल है, स्पेशली जब हमारा रिपब्लिक डे 26 जनवरी आने वाला है. इज इंट दिस patriotism? And that is a question that we at News Mobile have been asking everybody. Shipra Narayan with my colleagues Abhit Raghav and Prashant reporting from Shaheen Bagh. Jana Gana Mana Adhinayak Jaya Hind Bharat Bhagya Vidhata Punjab Sindh
गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगाल।